कोई आर्टिकल जो है 8,000 रुपये में सेल किया जाता है तो उसपे 20% का डिस्काउंट है, और उसे अगर 28% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो उसका लागत मूल्य बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है अगर 8,000 रुपीज है, ठीक, इतने में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसे 20% का डिस्काउंट देने के बाद अगर 100 रुपये आपके पास है, 100 में से 20% अगर छोड़ देंगे तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 80% का, ठीक। यानी 100 का सामान अगर 20 रुपये में छोड़ देंगे तो 80 रुपये में बेचेंगे, तो 80 रुपये में जब बेचेंगे तो इस पर 80% किस पर लगेगा, ये 8,000 रुपये में, ठीक। तो हम इसका जब निकालेंगे 8,000 का 80% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,400। 6,400 रुपये में उसने क्या किया, सेल कर दिया। अब कह रहा है कि 28% का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, अगर हमारा सीपी 100 है उस पर अगर हम 28% का फायदा करेंगे तो कितने रुपये में बेचेंगे, 128 रुपये में बेचेंगे। यानी 128% जो है वो 6,400 के बराबर है, 128% 6,400 के बराबर है, 128 का ये क्या गुना है, 50 गुना है, इसलिए 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 5,000 हो जाएगा, यही हमारा 50,000 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लागत मूल्य जो होगी वो 50,000 रुपये हो जाएगी।